हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सपनों का महासागर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सपने में बालों को विभिन्न प्रकार से देखने का क्या मतलब होता है। देखिए, सपने में हम बालों को कई तरह से देख सकते हैं, जैसे कि अपने बाल झड़ते हुए देख सकते हैं, अपने सफ़ेद बाल देख सकते हैं, अपने आप को गंजा देख सकते हैं, या कोई अच्छा सा हेयर स्टाइल में खुद को देख सकते हैं, बालों को कंघी करते हुए देख सकते हैं। तो यही एक खास जो सपने होते हैं, ज़्यादातर जो आते हैं यही पास सपने होते हैं, तो हम इनका अर्थ जान लेते हैं। और जो सबसे ही ज़्यादा सपना आता है वो आता है कि सपने में बाल झड़ते देखना। तो उसका हम सपनाने वाले हैं जो कि आपकी लाइफ के लिए बहुत ही अच्छे साबित होने वाली है। तो ये एक बहुत ही शुभ सपना होता है, यानी कि आप कुछ भी ऐसा विचार या कुछ भी आप योजना अपनी लाइफ को लेके जो भी बनाएंगे, जो भी फैसला लेंगे, वो आपकी लाइफ के लिए बहुत ही बेहतरीन और अच्छा साबित होने वाला है। अब दूसरा सपना है कि सपने में यदि आप खुद को एक बहुत अच्छे हेयर स्टाइल में देखते हैं, यदि आप देख रहे हैं कि आपने बहुत ही अच्छे अपने बालों को बनाया है, जो कि आप नॉर्मल नहीं बनाते हैं, और आप सपने में देख रहे हैं कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो इस तरह का सपना अगर आपका आता है तो ये बताता है कि आपको जल्दी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा धन लाभ कहीं से होने वाला है। यानी कि जब भी आपकी लाइफ में धन कहीं से आने वाला होता है तो आपको इस तरह के संकेत मिलते रहते हैं सपने के थ्रू। अब बात करते हैं तीसरे सपने की, जिसमें कि आप खुद को गंजा भी होते हुए देख सकते हैं या सीधे गंजा ही देख सकते हैं। देखिए, इसका मतलब रियल लाइफ में बात करूँ तो बहुत ही बुरा है, बहुत ही ज़्यादा बुरा है, लेकिन वहीं अगर सपने की बात करूँ तो ये सपने में दिखना अच्छी बात होती है। भले ही हमें सोच के भी घबराहट हो जाती है कि बाल नहीं होंगे तो कैसा होगा, लेकिन अगर सपने में आप खुद को गंजा देख रहे हैं तो ये एक अच्छा सपना होता है। और इसका मतलब होता है कि आप पे अगर कर्जा है किसी का तो आप जल्दी ही कर्जे से मुक्त होने वाले हैं। मतलब कर्जा बैंक का भी हो सकता है, यदि आपने कोई घर या कोई ज़मीन या आपने किसी प्रकार का कोई लोन लिया है या किसी का आपने उधार पैसा लिया है, आप हर तरीके के कर्जे से मुक्त होने वाले होते हैं, तो भी इस तरह का सपना आपको दिखाई देता है। सपने में खुद के सफ़ेद बाल देखना, देखिए रियल लाइफ में अगर इसकी बात की जाए तो ये बहुत ही बुरा फील होने वाला सपना है। मतलब कोई नहीं चाहता कि उसके बाल सफ़ेद हो जाए, उम्र से पहले सफ़ेद हो जाए, या मतलब कोई बीमारी से सफ़ेद हो जाए, लेकिन अगर सपने में आपको ऐसा आ रहा है कि आपके सफ़ेद बाल हो गए हैं तो ये एक अच्छा सपना होता है। इसका मतलब होता है कि आप अपनी लाइफ में मैच्योर होने वाले हैं और आपको जो समाज में, आपके घर में मान सम्मान आपका बढ़ने वाला है, तो ये भी एक अच्छा सपना होता है। वहीं पे अब हम बात करते हैं अपने लास्ट सपने की, यानी पांचवें सपने की, जिसमें है कि यदि आप सपने में खुद के बाल झड़ते हुए देख रहे हैं तो इसका क्या मतलब होता है। देखिए, ये सपना आपको इंडिकेट करता है कि आप अपनी लाइफ में जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको कहीं ना कहीं खो रहे हैं, तो आपको इस तरह का सपना आता है। तो अगर मैं बात करूँ पॉजिटिव या निगेटिव की, तो दोनों ही कहना गलत होगा, क्योंकि ना तो ये पॉजिटिव है ना ही ये निगेटिव है, ये सिर्फ आपको संकेत देता है जो आप रियल लाइफ में आपके साथ हो रहा है। यदि आप कुछ काम करना चाहते हैं लेकिन आपको लग रहा है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, या आप उससे जी चुरा रहे हैं सिर्फ ये सोच के कि दुनिया क्या कहेगी, या मुझसे काम होगा या नहीं होगा, या किसी आप किसी बारे में अगर सोच रहे हैं तो खुद का दिमाग यूज ना करके आप उस चीज़ को उसी तरह देख रहे हैं जैसे कि आपको कोई दिखाना चाहता है, तो जहाँ पे आप खुद का कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज कर देते हैं, आपको ख़त्म होने लगता है, तो आपको इस तरह के संकेत मिलते हैं सपने के थ्रू कि आपको अब ध्यान देने की ज़रूरत है, और इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी क्यों आ रही है, जो कि भविष्य में जाके आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। तो वहीं पर रुक जाइए और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का काम करें। तो आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को हिट करें ताकि टाइम पे आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं बेहतरीन टॉपिक के साथ आने वाली वीडियो में। बाय बाय।